उत्तर प्रदेश का बुलंद शहर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में था, क्योंकि यहां गोहत्या के शक में हिंसा कर रहे उपद्रवियों ने एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दंगा भड़काने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि इस हिंसा के बाद पूरे देश में बुलंद शहर की चर्चा हुई। गौरतलब है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये लोकसभा सीट पिछले कुछ वक्त से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है। फिलहाल यहाँ से बीजेपी के भोला सिंह सांसद हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने यहाँ से प्रचंड जीत हासिल की थी। वहीं साल 2014 में हुए लोकसभा चुनावों के अनुसार इस सीट पर कुल 17 लाख से ज्यादा वोटर हैं, इनमें 9 लाख से ज्यादा पुरुष और करीब 8 लाख महिला वोटर हैं। बुलंदशहर जिले में करीब 77% हिंदू आबादी है और 22% मुस्लिम आबादी है। बुलंदशहर लोकसभा के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, इनमें अनूपशहर, बुलंदशहर, डिबाई, शिकारपुर और सियाना विधानसभा सीटें हैं। 2017 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में ये सभी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। आपको बता दें कि 1952 से लेकर 1971 तक इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का 5 बार कब्जा रहा है। पहली 2 बार कांग्रेस की तरफ से रघुवर दयाल मिश्रा और 3 बार कांग्रेस के टिकट पर सुरेंद्र दयाल सिंह ने जीत हासिल की। वहीं 1991 से सीट पर बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। आपको बता दें कि इस सीट पर आम चुनाव में लगातार 4 बार बीजेपी के छतरपाल सिंह ने जीत दर्ज की है। हालांकि 2009 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की, लेकिन 2014 की मोदी लहर में बीजेपी एक बार फिर से यहां सत्ता पाने में कामयाब रही। गौरतलब है कि गोहत्या के शक में जिले में हुई हिंसा के बाद इस सीट का चुनावी समीकरण बदल गया है। यही वजह है कि अब सभी की निगाहें इस सीट पर बनी रहेंगी। आपको बता दें कि बुलंदशहर एक आरक्षित सीट है। स्पेशल डेस्क, खबर 84।